पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ये थाना सिविल लाइंस पर कुछ अभियोग पंजीकृत हुए थे जिसमें एक कंपनी बनाई गई थी, एक चिट फंड कंपनी थी, जनहित म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड और जनहित प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये लोगों से पैसा जमा करवाते थे आरडी और एफडी के नाम पर, और उनको एक कम समय में उसको दुगने करने का इन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था। उनको एफडी इन्होंने जारी भी की थी, लेकिन जिस समय उसकी मैच्योरिटी का समय आया तो फिर ये व्यक्ति वो कंपनियां बंद करके यहाँ से भाग गया। इस संबंध में कई थानों में ये जो व्यक्ति है जिसका नाम राजीव है, सॉरी अजय कुमार यादव पुत्र ठाकुर सिंह, इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुए थे। काफ़ी बड़ा अमाउंट लोगों का लेके तमाम लोगों का ये व्यक्ति फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध मुरादाबाद के अलावा उत्तरांचल के भी, उत्तराखंड के भी कई थानों पर जैसे टनकपुर, चंपावत, घनसाली, नैनीताल, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, इन जनपदों में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किए गए थे और ये लगातार फरार चल रहा था। और जानकारी में आया है कि वहाँ से भी थाना चंपावत से इसके ऊपर इनाम चल रहा था पूर्व से। हमारे जनपद से भी ये 25,000 रुपये का इनामी था और इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता थाना सिविल लाइंस पुलिस को मिली है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इससे तमाम लोगों को जो जिन्होंने अपने जीवन की बड़ी ही मेहनत से कमाई हुई गाड़ी कमाई इनके यहाँ लगाई थी इस उम्मीद से कि उन्हें कुछ उसका प्रतिफल मिलेगा, लेकिन उनके संग ठगी करके ये व्यक्ति फरार हो गया था। पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है, इसको न्यायालय के समक्ष प्रोड्यूस किया जा रहा है। और इससे लोगों को पकड़े जा चुके हैं, इसमें पूर्व में भी कुछ अभियुक्त जेल गए हैं लेकिन अभी भी कुछ शेष हैं, लेकिन ये मेन सरगना है इस पूरे नेटवर्क का। जो कंपनियाँ थी इसी ने फॉर्म की थी, बाकी इसके सहयोगी थे, लेकिन जो मुख्य कर्ता धरता है वो यही व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।